हेलो अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अनदर एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ क्या ड्रामा विद मुकर्रम कलीम। कल भी आपके सामने हम थे और काफ़ी मारा मारी हुई यहाँ पे नंबरों के मामले में, नहीं अच्छे नंबर मिले क्योंकि ड्रामे जजेस को इतने पसंद नहीं आए और हमारे जजेस कल कॉन्ट्रैक्टर बन गए थे और कॉन्ट्रैक्टर बन के इन्होंने कॉन्ट्रैक्टर को उड़ा दिया। बैड सीन रहा। लेकिन आज जिन दो ड्रामों का रिव्यू करने वाले हैं उनके साथ ये जाबिर जालिम कॉन्ट्रैक्टर क्या करेंगे वो तो आपको बताऊंगा क्योंकि लास्ट कल वाले एपिसोड में आप सब लोग जालिम जाबिर सादी माम उनके बारे में कहते थे बहुत नरम दिल की हैं, रो पड़ती हैं, आंसू आ जाते हैं, लेकिन कल तो रुबीना जी को पीछे छोड़ दिया साथी इमाम ने। तो आज प्रोग्राम का आगाज करने से पहले जो नया सेगमेंट हमने ऐड किया अपने संडे के एपिसोड में उसका तस्करा करते चले जाएं, यानी कि सीन ऑफ द वीक। और जो टैगिंग हमें आई, यानी कि अगर आप चाहते हैं कि आपका फेवरेट सीन जो किसी भी ड्रामे से हो सकता है, आप हमारे इंस्टा पेज पर जाएं, वहां पर हमारा ऑप्शन आ रहा होता है, यानी कि स्टोरी पर लगा हुआ होता है कि आप टैग कर सकते हैं हमें किसी भी ड्रामे के सीन में, क्योंकि मोस्टली ड्रामों के सीन जो है अब रील्स की सूरत में अब इंस्टा पे अवेलेबल होते हैं। तो जिसकी टैगिंग सबसे ज़्यादा आई वो बहुत ही ख़ास ड्रामे का है और वो सीन था तबरेज़ और शादी का सीन। उसकी टैगिंग आई थी एंड राइटली सो क्रीपी सीन, गुड दैट सीन वाज लाइक अ गुड सीन। तो रुबीना जी क्या कहेंगे उस सीन के बारे में? इसमें तीन लोगों का कमाल है, राइटर का सबसे पहले, क्योंकि वो अभी तक हमें खुल के नहीं बता रही कि ये लड़का जो है ये किसी दिन हमें, हाँ, और हमें डर में रखा हुआ है कि ये लड़का अब आज तो करेगा कुछ बुरा, जब उसने वो फूलों की लड़ी और ये लिखा हुआ होगा, क्योंकि ये लिखा हुआ होगा यकीनन कि उसने फूल पे हाथ डाला और फूल टूट के उसके हाथ में आए। राइटिंग देखो, वो कहती है कि तुम किसके, तो मैं किसी और की बीवी थी तब भी ये सोचा, वो कहता है अभी क्या सोच रही हो, किसके बारे में सोच रही हो, उसने कहा कि किसी के नहीं, सोचना भी नहीं। राइटिंग है ना, वेरी वेल प्लेड बाय द एक्टर आल्सो एंड वो जो मूव बनाई है डायरेक्टर ने, वो मूव भी बहुत अच्छी थी। फूल कहाँ से उसने तोड़ा, कहाँ वो चल के आया, कहाँ वो बैठ गया। इवन उस सीन में शॉट, जब वो शॉट होता है तो वो यूं दरवाजा बंद कर रहा होता है, फिर वो खिड़की में जाता है शॉट और फिर वो आपको अंदर, लाइक दैट वाज लाइक सीन एक्चुअली वेल डन। क्या कहेंगे सीन के बारे में? गुड वन। जब मैं देख रही थी मुझे लगा कि इसकी पिटाई करेगा। हाँ, शाहिदा के साथ हमेशा ये होता था बेचारे, जब दुल्हन बनती थी पिटती थी। ये क्योंकि दिया उन्होंने आपको ये मोमेंट, लड़के ने भी दिया और राइटर ने भी दिया, जो मूड सेट किया हुआ था उस सीन का, यू नो, एक तो ही फ्लॉप्स हिमसेल्फ ऑन द बेड एंड यू थिंक ही इज गोइंग टू से सच लवली थिंग्स एंड देन दिस इंटेंसिटी इन हिज आईज, और फिर जो वो बात करने लगता है, वो जो कंफ्यूज थी हम भी उतने ही कंफ्यूज थे कि भाई तुम कर क्या रहे हो। Very nice. It was very creepy. It kept you on edge. कि अभी कुछ होगा, अभी कुछ होगा, अभी कुछ होगा. So very very good. And as Rubina said, it was a match made in heaven for that trio of the actor, director and writer. Very well. Over to you. Oh, मुझे पता क्या लग रहा था? मुझे लग रहा था जब इसने एक तो आगे, सबसे पहले तो यहाँ से मैं बात शुरू करती हूँ, डायरेक्टर आर्टिस्ट कैमरामैन, ये जब केमिस्ट्री मिल जाए ना तो फिर ऐसा कुछ होता है। और डायरेक्टर की मैंने पहले भी जिक्र किया था कि जब आयजक और उसका जब डिस्टेंस दिखाया था तो बीच में उसने एक दरख्त रखा था, ये हर जगह ना अपनी चीज़ों से खेलता है, ये ज़ाया नहीं जाने देता अपने प्रॉप्स को, दरवाजे का बंद होना, खिड़की में कैमरे का आना, उसने जाया नहीं जाने दिया खिड़की के वो आपके पास जब है, आप पिंजरे में दिखा रहे हैं कि अभी कैद हो गई है, नाउ शी इज़ लाइक, देखे ना कि वो जब जाके, अच्छा फूल वो चाहता तो ऐसे तोड़ लेता, उसने फूल नोचा है, यूं करके उसे पूरे धागे से फूल नोचे। तो जी क्लैप हो जाए इस सीन के लिए, वेरी नाइस। और जिनका नाम मैं नहीं ले सकती, हाँ, नवाज सईद के, नवाज सर के लिए, और कासिम अली मुरीद और आसिफ खान डीओपी, एवरीवन जो भी है इसमें, और राइटर रिदा बिलाल। तो अब जिस ड्रामे का तस्करा करने लगे हैं वो जाने जहां नहीं है, नहीं है, नहीं, चलिए कौन सा है? हम जिस ड्रामे की बात करेंगे वो बहुत ही खास है और राइटर हैं उसके सनम मेहदी जरियाब, जो कि बहुत ही ब्रिलियंट राइटर हैं, डायरेक्टर अहमद भट्टी जिन्होंने सहरा जैसा ड्रामा भी हमें दिया था,
और ड्रामे का नाम है रद, और कास्ट में शामिल है शहरयार मुनव्वर, हिबा बुखारी, अरसलान नसीर, नोमान एजाज, दानिया अनवर, अदनान जाफर, नादिया अफन, अस्मा अब्बास, यास्मीन पीरजादा, और शुरू करेंगे रुबीना जी आपसे। जाने जहां, जिसको हम मोस्टली एक्लेम नहीं कर रहे हैं अब बहुत अरसे से, और रद, अ ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर, एंड द वन वर्ड दैट आई विल यूज फॉर रद, लाइक आई यूज अ वन वर्ड फॉर एवरी प्ले दैट आई स्टार्ट कमेंटिंग ऑन, is smitten. I am actually totally smitten by the way it is shot, by the way people are performing in it, by the way the writer has crafted the scenarios. बिल्कुल. मुझे scenario बहुत fresh लगे हैं, मज़े के लगे हैं, casting अच्छी लगी है. सबसे अच्छी चीज़ शहरयार मुनव्वर मुझे लगे हैं, बिकॉज एक एक्टर ने बहुत अनअस्यूमिंगली अपना कैरेक्टर पहना है, ना उसने कपड़ों की फिक्र की है, ना उसने बालों की फिक्र की है. आई लव द वर्ड रद, याद ही रह जाएगा ना, मुश्किल नाम नहीं है. डायरेक्शन में एक आध जगह और है, राइटिंग में सिर्फ एक जगह है. विल कम टू दैट व्हेन वी कम टू दैट. फॉर नाउ दिस इज माय एक्चुअली 3 थम्स फॉर द डे. वेल डन टीम रद, यानी इधर से 3 थम्स आप लेने का मतलब है कि 12 है. सीरियसली दर्जन है. दिल बहुत खुश है, बहुत खुश है रुबीना जी. महिना जी, सो यस आई थिंक आई रियली लाइक इट. आई लाइक इट बिकॉज शुरू में मैंने सोचा कि अच्छा नहीं क्या होगा, अच्छा ओके सो व्हाट डज ही डू अगर ये दुकान चलाता है, यू नो जब वो उसको क्रिटिसाइज़ कर रही होती है अब्बा के सामने, देन ही कम्स एंड ही इज़ वेयरिंग दिस रियली नाइस कुर्ता एंड ऑल, बट देन टू सीन्स लेटर यू फाइंड आउट दैट ही बिलोंग्स टू अ वेरी रिच फैमिली एंड व्हाट अ हाउस, व्हाट अ हाउस, हेलो बेबी, आई लाइक यू, लोकेशन सारी वेरी 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 नाइस एंड वेरी वेरी न्यू, ऑलराइट, आई लाइक इट. So ये you know, I think I like I said मैं तो गश कर रही हूँ over art direction. So all you art directors out there, I love your work. Either the way it's shot or I think the शहरयार मुनव्वर कैसे उससे मिलेगा, क्या होगा, वो तो लड़के को पसंद करने लगी, लड़का पसंद करने लगा. नहीं, I think she's going to marry this boy. शहरयार तो वो जरा दुखी रहेगा for a long time. मुझे लगता है. और शहरयार, I mean again let's when we come to the story we'll talk about it. But for me also it's it's where is hell of it. Oh, we can do 4 also. Oh, we can use mine also. Thoroughly enjoyed it. Thoroughly enjoyed it. Sadia. मैंने आते ही आपसे जब हम सेट पर आए थे तब कहा था कि मुझे तो स्क्रीन इतनी खूबसूरत थी, इतनी शफाफ स्क्रीन थी ना. सबसे मजे की चीज कि आपको कैरेक्टर्स मोती की तरह पिरोए हुए दिख रहे हैं. ये है ड्रामा टीवी का, जिसे देखना चाहिए, जिसे सुनना नहीं चाहिए. सुनने के लिए ड्रामे रेडियो के होते हैं, देखने के लिए ड्रामे टीवी के होते हैं. बहुत मज़ा आया डायरेक्टर को. मतलब आप सारे थम्स अप ना एक दफ़ा फिर सब उठाएं, प्लीज़ ये इनके भी टू टू वाले, उनके भी टू टू वाले, सारे के सारे. ओके जी, बहुत पसंद आ चुका मुझे, बहुत पसंद ड्रामा. राइटिंग की बात करते हैं जी. राइटर हैं because we're humans, we're flawed. Sanam Mehdi Zaryab, Rubina ji. Okay, so the writing is working well for me for now. Sirf ek jagah, sirf ek jagah thi jahan mujhe laga ye behtar ho sakti thi, wo jewelry shop scene tha. Writing would be definitely a 7. Very good job. Maina ji, I think I'm going to go a little higher. I will give it. मुझे तो सभी हायर जाएंगे. मैं तो एक कंजूस इंसान हूँ. लवली सी. ये अभी क्योंकि आपके पास मार्जिन बहुत है, स्क्रीन खुली है अभी, स्क्रिप्ट खुलेगा अभी, बहुत कमाल है. नंबर्स 8 तो बनते हैं. चलें जी, ऑडियंस की बात कर लेते हैं. टोटल वोट जो कास्ट हुए 11,500 हुए हैं, और सनम मेहदी जरिए आपके हिस्से में ड्रामा सीरियल रद से आए 805, 7% बनते हैं 0.7. अभी सिर्फ 2 एपिसोड एयर हुए हैं, बट स्टिल इज वेरी गुड वोटिंग, अच्छे नंबर मिले हैं. चलें आप डायरेक्शन की बात करें. सो 7 अगर राइटिंग थी तो 6 है डायरेक्शन जी. 6 महीना जी, हम तो खैर जरा से वो इवल
जिसे कहते हैं ईगल आइज के साथ ना, क्योंकि कोई आंख इधर भी जा रही है, इधर भी जा रही है, इधर भी जा रही है, तो हम देख रहे होते हैं. बट फॉर मी ऑल्सो एन एट फॉर एट. आई थिंक इट वॉज वेरी गुड. इट वॉज सादिया वेरी गुड. पांच फ्लॉज के साथ ये कि इसमें बहुत ज़्यादा मार्जिन है डायरेक्टर के पास काम करने का. घर बहुत खूबसूरत है जो शहरयार का दिखाया है. स्टोरी इतनी खूबसूरत है जहाँ डायरेक्टर बहुत खेल सकता है सब कुछ कहते हुए भी, लेकिन क्योंकि स्क्रीन बहुत शफाफ है तो सेवन. सेवन, वेरी गुड जॉब. ऑडियंस की तरफ चलते हैं जी. टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं डायरेक्शन की कैटेगरी में वो हैं जी 11,900 और अहमद भट्टी के हिस्से में ड्रामा सीरियल रथ से 833. सेम 7% बनते हैं. 0.7 इनको भी मिले हैं राइटर की तरह. बात करी जाए फीमेल एक्टर की, हिबा बुखारी. रुबीना जी, सो हिबा के लिए और ज्यादा थोड़ा सा है ना एक शी हैज टू प्रूव हरसेल्फ इन दिस वन. सो गुड लक टू यू गर्ल. आई विल सी व्हाट आई हैव गिवन यू. या आई हैव गिवन हर अ 6. 6. हां मैना जी, फॉर मी आई वुड गिव हर अ 6.5. 6.5. गुड जॉब. सादिया जी, मेरे हिसाब से तो 7 होने चाहिए अभी स्टार्टिंग, क्योंकि दो एपिसोड्स हैं. इसलिए ऑडियंस की तरफ चलते हैं जी. टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं 12,500 हुए हैं और रद से हिबा बुखारी के हिस्से में 1,000 जो कि 8% बनते हैं. 0.8 यानी कि इस ड्रामे से इनको पहली दो एपिसोड में अच्छे नंबर मिले हैं. वेरी गुड जॉब. बात कर ली जाए शहरयार मुनव्वर की. रुबीना जी, नंबर हु इज अ फाइन एक्टर, ही इज 7. 7. वेरी गुड जॉब. मैना जी, आई एम गोइंग टू गिव हिम एन 8. सादिया, अभी तो बहुत काम है इसमें बाकी, मतलब 10 तक जाने में बड़ा टाइम है, लेकिन 7 तो बनता है फिर भी. 7. वेरी गुड जॉब. ऑडियंस की तरफ चलते हैं जी. टोटल वोट जो कास्ट हुए 13,600 हुए हैं और रद से शहरयार मुनव्वर के हिस्से में आए हैं 952. 7% बनते हैं. 0.7 मिले हैं इनको. तो जी नॉट बैड. दो एपिसोड अभी तक आए उसके लिहाज से बहुत बेहतर हैं. तो ये रद का रिव्यू कंप्लीट हुआ. रद को हमारे जजेज ने बिल्कुल रद्द नहीं किया बल्कि बहुत पसंद किया. बिल्कुल. और अभी देखते हैं आगे भी ऐसे चले, क्योंकि इनिशियली हमने इश्क मुर्शद स्टार्ट किया था हम बड़े खुश थे कि बड़ा अच्छा ड्रामा आया, लेकिन बाद में जो इश्क मुर्शद के साथ हुआ अल्लाह ना करे कि रद के साथ वैसा, और जिस ड्रामा जिस पेज पे जिस तरह से चल रहा है ऐसा ही चले. अभी एक बहुत ही ख़ास ड्रामे का रिव्यू करेंगे और उसका सीन ऑफ द वीक तो था ही, लेकिन वो ड्रामा भी आया चाहता है तो आपको रिव्यू करवाते हैं, रिव्यू दिखाते हैं जाने जहाँ के शॉर्ट ब्रेक के बाद. ड्रामा शायकीन का शुक्रिया जिन्होंने क्या ड्रामा है को किया इस कदर पसंद. पहले 4 सीजन ने मचाई धूम. इतनी मोहब्बत और पजीराई के बाद कैसे ना होता सीजन 5 का आगाज. सीजन 5 में जहां बहुत कुछ है वहीं शॉर्ट वीडियो रिव्यू का सेगमेंट इंतहाई दिलचस्प है. अपने पसंदीदा ड्रामों का रिव्यू दें और 1 मिनट की वीडियो बनाकर हमें व्हाट्सएप करें और हम करेंगे ऑन एयर आपका रिव्यू. क्या ड्रामा है विद मुकर्रम कलीम में. वेलकम बैक. तो फिर आपको खुशामदीद कह रहे हैं क्या ड्रामा विद मुकर्रम कलीम में. और जिस ड्रामे का था इंतजार आया चाहता है वो शाहकार सीन, तो उसका हमने डिस्कस कर ही लिया था आज के प्रोग्राम के आगाज में, लेकिन अब जरा डिटेल में बात होगी. आप अनकट वर्जन में तो मजीद डिटेल भी देख सकेंगे, लेकिन शो में जितना कुछ है वो अभी उस पर बात कर लेते हैं. मैं बात करूँ ड्रामा सीरियल जाने जहाँ की, और शुरू करेंगे मरीना जी आपसे. सीरियसली? यस. अच्छा एक सेकंड, आई एम गेटिंग योर टाइम स्लाइट नादिया मोमेंट हियर. सो दीज टू एपिसोड्स वर अ स्लो प्रोग्रेस बट प्रोग्रेस नो डाउट. मीनिंग इसमें ये नहीं हो रहा था कि कुछ नहीं हो, काफ़ी कुछ हो रहा था. हमारी मेन गर्ल आयजा, उसका अभी तक कंफ्यूज, उसका डिलेमा, उसका गुस्सा, जो फ्रस्ट्रेशन जो शुरू में जब आर्किटेक्ट के साथ बात करती है इट्स लिटिल बेटर, लेकिन जब वो उससे एक इतनी बड़ी बात कर देते हैं अगेन यू नो शी गोज़ इनटू दैट फेज. दैट सीन विथ हर एंड द फादर वाज वेरी स्वीट, जब वो कहते हैं ना कि तुम्हारी, बिकॉज शी वाज बहुत वाइवेशियस, बहुत हैप्पी गो लकी लड़की थी जो बिल्कुल सीरियस हो गई है, बिल्कुल टोन डाउन हो गई है. तो फादर के साथ That was a very lovely scene where he said, Alia ka character ekdam se isme kafi acha aaya hai. She's taking on her father, unka dono ka aapas mein Tabrez ka aur uska
जो एक वो जो अपने फादर से बात करते हैं जिस तरह से है, वो सब बैठ के तसल्ली से, शी वाज सो गुड. ऑफ कोर्स व्हेन वी टॉक अबाउट स्क्रिप्ट वी विल टॉक अबाउट द ओपनिंग सीन ऑफ द प्ले व्हिच वाज आल्सो ब्रिलियंट. मम का अब वो प्लॉटिंग फिर से शुरू हो गई है इस लड़की को अपनी हमारी जो ब्यूटी पार्लर है उसको मुलायम करने. सो व्हाट वाज हैपनिंग वाज दैट दे वर इट वाज स्लो पेस्ड बट देयर वाज अ लॉट हैपनिंग. सो आई फॉर मी इट वाज अ 100% One thumbs up. Sadia. मुझे मजा आ रहा है. आप तो वैसे जाने जहां सुपर फैन हैं. जाने जहां तो मुझे तो वैसे मजा आ रहा है. लेकिन नहीं, मुझे इस दफा जो मजा आया आप आलिया के कैरेक्टर का मैंने एंजॉय किया क्योंकि वो बहुत देर से खामोश थी. उसका बोलना ज़ैनब का बोलना, ज़ैनब कयूम का बोलना कि उसने बता दी अपनी बेटी को कि मैं तुम अकेली नहीं हो. हौसला भी देती है कि अच्छा थोड़ा टाइम दो उसके लिए भी. ये तो सब कुछ नया है. लेकिन वो जिस तरह अपने मियाँ से बात करती है, कहती है ये मेरी ही तरबियत थी जो बाहर सब कुछ छोड़ के वो यहाँ आ गई है. अब आपने बोझ डालना शुरू किया है स्क्रिप्ट के ऊपर तो अच्छा लग रहा है इनके ऊपर. वो सीन बड़ा खूबसूरत जहाँ वो अब्दुल्ला ही ना, वो क्या नाम है, अब्दुल को ढूंढता हुआ आता है और वो वहाँ बैठा हुआ मिलता है. कहाँ है तो पूरी हवेली में ढूंढ कर आप भी निकालें भड़ास. अम्मी ने तो मुझे थप्पड़ मार लिया. वो जो थप्पड़ छोटी अम्मी ने थप्पड़ मारा, वो जो बैठना उसको गले लगाना, क्योंकि ये बच्चे ने तो कभी माँ वाला वो देखा नहीं ना सर. तो जिस तरह इसने गले लगाया अपने भाई को, ये छोटे छोटे से सीन ना ड्रामा बनाते हैं. कोई आर्टिस्ट ऐसा नहीं जिसके लिए आप ये कह देंगे इसके पास कम और इसके पास ज़्यादा है. सबके पास बहुत, और इस बहुत तो काफी है करने का, और इस दफ़ा तो बहुत था. तो मेरे लिए तो प्लीज़ ये स्लो पेस, क्योंकि कहानी में कोई बहुत आगे जाने की जगह तबरेज़ की शादी के अलावा नहीं आई. बट मूवमेंट थी, ऐसा भी नहीं था कि बिल्कुल ही वहीं रुक गए थे. कन्फ्यूजन्स जो चल रही हैं शहराम और मानूर के रिश्ते की, वो पहले मंगेतर को पता चली, अब उसकी माँ को भी हल्की सी समझ आ गई. स्टेप फॉरवर्ड आलिया के सिलसिले में भी थोड़ा सा स्टेप फॉरवर्ड हुआ, दोनों की एक लड़ाई हो गई. सो स्लाइट मूवमेंट देयर, बट विनर फिर तबरेज़ के सीन थे. विनर ट्रैक अभी भी तबरेज़ का ही है, बिकॉज वही शादी वाला सीन, उससे ऊपर कुछ नहीं था. फिर वो सीन जिसमें वही फैक्ट्री आता है और डांटता है, और फिर उसके बाद जब वो कमरे में आती है तो कहता है ज़रा ज़्यादा डांट दिया ना, तो वो फ्लिप जो इन लाइन्स की वजह से उस एक्टर की परफॉर्मेंस में आता है, बिकॉज इट्स रिटन सो वेल. वो बड़ा मजे का है. हम डरते हैं उससे एक सेकंड पहले, और दूसरे सेकंड वो मतलब कुछ बुरा करने लगा है, और दूसरे सेकंड भी कुछ नहीं करता पूरा, दूसरे सेकंड भी फॉल इन लव विद हिम कि ये बहुत अच्छा है, ये बुरा नहीं है. पूरी स्माइल, अर्नेस्ट स्माइल के साथ वो कहता है ज्यादा डांट दिया ना, करना पड़ता है. ये केयर तो कर रहा है, वो मोहब्बत तो करता है उससे, वो जैसा भी है. हाँ, सो ये यही है एक हुक इस ड्रामे में जो अभी तक है. बाकी सारे हुक तो पता चल गया जहर उसने दिया था, सब प्रिडिक्टेबल हैं. बाकी सारे प्रिडिक्टेबल हैं, सब कुछ आउट इन द ओपन आ जाएगा. फिर आती है वो जगह जहाँ वो कहता है कि अगर मैं आपकी शादी रोकना चाहता तो मुझे दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती थी. वहाँ मुझे महानूर ने डिसअपॉइंट किया, क्योंकि वहाँ जो मुझे वहाँ चाहिए था ना कि काश आप ये कर लेते, यही चाहिए था मुझे. इवन इफ शी वाजंट प्लानिंग ऑन दिस, दिस इज व्हाट आई वांटेड एज अ व्यूअर. कि नहीं, ये मुझे भी फील हुआ था कि क्यों नहीं, वो एक्सप्रेशन मिसिंग था. सो आई थिंक है फॉर कास्टिंग शहराम इन द रोल दैट ही कास्ट. इस ड्रामे का की बैकबोन हमजा है और तबरेज है, एंड द वे इट्स रिटन और राइटर है, शाबाश. राइटिंग और डायरेक्शन की बात तो होगी, लेकिन अभी एक्टिंग पर बात करते हैं इस शॉर्ट ब्रेक के बाद. आपके वोट से नंबर वन बन सकता है आपका फेवरेट स्टार. YouTube पर जाकर लिखें क्या ड्रामा है और YouTube चैनल आपके सामने होगा. कम्युनिटी के ऑप्शन को प्रेस करें और जिसे चाहें वोट दें. हर हफ्ते की शाम 6 बजे पब्लिक पॉल की ऑप्शन एक्टिव कर दी जाएगी
अब बुध शाम 6 बजे वोटिंग का अमल रोक दिया जाएगा। तो अगर आप चाहते हैं आपका फेवरेट ड्रामा बने ड्रामा ऑफ द वीक या फिर आपके पसंदीदा स्टार राइटर और डायरेक्टर्स का हो इंतखाब, तो फिर क्या ड्रामा है विद मुकर्रम कलीम के यूट्यूब चैनल पर जाकर वोट देना मत भूलिएगा। वेलकम बैक, एक बार फिर आपको खुश आमदीद कह रहे हैं क्या ड्रामा विद मुकर्रम कलीम में। राइटिंग की बात की जाए तो रिदा बिलाल भाई, देयर सो मच मोर आई वांट टू से बट ओके चलो आई एम 8। राइटर का कमाल है, और ये लंबी बात ना हो मुझे लगता है कि 8 तो बनता है। अब राइटिंग इज डूइंग वेल फॉर मी, 7 फॉर श्योर, 7 गुड जॉब। अब ऑडियंस की तरफ चलते हैं, टोटल वोट जो कास्ट हुए राइटिंग कैटेगरी में 11,500 हुए हैं, और रिदा बिलाल के हिस्से में आए हैं ड्रामा सीरियल जाने जहां से 3,105, वेरी गुड, 27% बनते हैं, 2.7 फाइनली। बात कर ली जाए डायरेक्शन की, तो कासिम अली मुरीद, छोटे मोटे फ्लॉज हैं लेकिन यू जस्ट बट यू नो बिकॉज दैट वाज इन वन वेर एन इम्पोर्टेंट सीन, सो आई विल गिव कासिम, टेकिंग दैट अवे फ्रॉम, आई विल गिव हिम अ 7, दैट सीन जस्ट सॉर्ट ऑफ gave me a little bit of a but otherwise lovely, loved the episode. तो मेरा ख्याल है कि 8 बहुत रोक के दिए लेकिन 8 जी। डायरेक्शन, सो आई थिंक डेफिनेटली अ 7 तो जी डायरेक्शन कैटेगरी में जो वोट कास्ट हुए टोटल 11,900 हुए हैं, कासिम अली मुरीद के हिस्से में आए हैं जाने जहां से 3,094, 26% मिले हैं। अब बात करी जाए फीमेल एक्टर की, और इस दफा नॉमिनेट है नवाल सईद। हाउ लवली शी, बिकॉज यू डोंट, शी डजंट नीड मेकअप, शी इज जस्ट अ गुड लुकिंग वुमन, सो इसके मैं नंबर सिर्फ उसकी वजह से काट रही हूँ, फॉर दैट आई विल गिव हर अ 6। गुड जॉब। मैं इतनी कंजूसी नहीं करूँगी पर 8। नवाल सईद, अभी शी इज डूइंग फाइन, I'll give it a 6 for now. 6, good job. Audience की तरफ चलते हैं जी, total vote जो cast हुए हैं 12,500 हुए हैं, और नवाल सईद के हिस्से में आए हैं / आयजा खान / सफीर नदीम जाने जहां से 3,125, 25% बनते हैं, 2.5 मिले हैं इनको audience की तरफ से, वेरी गुड जॉब। बात कर ली जाए हारिस वहीद की। ओके, क्या हाँ नहीं तैसे टेन है, बाकियों का पूछ ले। नाइन, एक्सेलेंट 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 एक्सेलेंट। कॉन्ट्रैक्टर्स क्यों किया था हारिस? वो एक्टर है, उसको सब करना नहीं, बट उसने बुरा तो नहीं किया, नहीं उसने none of the situations made any sense, तो फिर आप घबरा जाते हैं। उसने बहरीन जब्बार की वजह से किया था, हाँ हाँ, a lot of people he is my favorite, मतलब शेराम of course, and both the boys are doing wonderfully, so black and white. खास तौर पे ये एक सीन थोड़ी ग्लेयर मुझे एक आध जगह अगर माइनस हो जाती तो और भी अच्छा लगता, वो जो वेडिंग नाइट वाली जगह पे ही हैड अ बिट ऑफ ग्लेयर इन हिज आई, बट आई लाइक दैट, वो तो क्रीपी थी, वही तो क्रीपी थी, खुशी के मारे आंखों में आंसू हैं और वो किस तरह से यहां तक पहुंचे, नहीं मुझे वो ग्लेयर थोड़ी सी ऑफ लगी, मुझे इट डिडंट वर्क फॉर मी, मुझे लगा बिकॉज आई वॉज एम्पथाइजिंग विद हिम, आई वॉज फीलिंग विद हिम कि ये इस वक्त ये कह रहा है, ये इस वक्त ये कह रहा है, ये इस वक्त ये कह रहा है, सो ही इज़ टोटली इन कंट्रोल ऑफ द सिचुएशन, ये बहुत सही जगह पे है। हमें डर लग रहा था क्योंकि हम डरते हैं इससे, हमें ये राइटर ने जगह दी हुई है जिसमें हम एक ऐसी जगह पे हैं कि हमें लगता है कि ये कभी भी फ्लिप कर जाएगा, इसको तो पता है कि ये क्या कहने वाला है, so for that the glare did not really work, glare जो मुझे नजर आई थी ना कि वो उसने it did not उसने work for me, जीता है ना उसको जिस तरह से लेने की जो खुशी थी ना उसकी आंखों में थी, नहीं वो देखो ब्रेस वो लड़का है जो कि इससे पहले भी he had a girl
who'd been keeping in an apartment. वो इजीली आए थे इसके तो से एफर्ट किसी ने मर्डर करवाया इसके लिए उसने एफर्ट की उसके लिए हमें नहीं पता इसने क्या क्या किया होगा फीलिंग इज वेरी डीप हमें पता नहीं है हाँ इसमें तो ये देखे इस खूबसूरती है कि वो उसे मोहब्बत हो गई है उसे लव हो गया इस लड़की से क्रेजी अपनी माँ का सेट भी दिया चीजें भी दिया दैट वी हैव येट टू नो हाँ बट ही इज टू गुड ही इज दिस ट्रैक एंड दिस बॉय इज माई फेवरेट बिन दैट थ्रू आउट definitely an 8 for him. ऑडियंस की तरफ चलते हैं जी टोटल वोट जो कास्ट हुए 13,600 हुए हैं और जाने जहां से हारिस वहीद के हिस्से में 2,584 19% बनते हैं 1.9 वेल डन अच्छे नंबर मिले हैं तो जी ये तो हमारे आज के ड्रामों का रिव्यू कंप्लीट हुआ कल के भी 3 ड्रामे थे आज के भी 2 ड्रामे हैं लेकिन रिजल्ट अभी आना बाकी है कौन बाजी लेकर जाता है इस हफ्ते दिखाते हैं आपको इस शॉर्ट ब्रेक के बाद ड्रामा शायकीन का शुक्रिया जिन्होंने क्या ड्रामा है को किया इस कदर पसंद पहली 4 सीजन ने मचाई धूम इतनी मोहब्बत और पजीराई के बाद कैसे ना होता सीजन 5 का आगाज सीजन 5 में जहां बहुत कुछ है वहीं शॉर्ट वीडियो रिव्यू का सेगमेंट इंतहाई दिलचस्प है अपने पसंदीदा ड्रामों का रिव्यू दें और 1 मिनट की वीडियो बनाकर हमें व्हाट्सएप करें और हम करेंगे ऑन एयर आपका रिव्यू क्या ड्रामा है विद मुकर्रम कलीम में वेलकम बैक एक दफा फिर आप खुशामदीद कह रहे हैं क्या ड्रामा मुकर्रम कलीम में और रिजल्ट कंपाइल हो चुके हैं और मेरे हाथ में आ चुके हैं अभी ब्रेक में हम सब लोग अंदाजे लगा रहे थे कौन विनर है लेकिन अभी भी कुछ सस्पेंस है कुछ भी हो सकता है क्योंकि जहां पे जजेस ने कम नंबर दिए वहां ऑडियंस ने ज्यादा नंबर दिए और जहां पे ऑडियंस ने कम नंबर दिए वहां जजेस ने दिल खोल के नंबर दिए तो राइटिंग की बात करते हैं और नॉमिनेशन हमारे सामने फिफ्थ पोजीशन पे है जी सैयद मोहम्मद अहमद और शाह यासिर इनको मिले 13.7 राइट फोर्थ पोजीशन पे हैं जी अब्दुल खालिक इश्क मुर्शिद से ये तेरी तरह किसी ड्रामे कम नंबर आए तो ये लोग खुश होकर तालियां बजाते हैं कम नंबर पे खुश ओह गॉड अच्छा जी थर्ड पोजीशन पे हैं जी परीसा सिद्दीकी ड्रामा सीरियल बस रोड के रोमियो जूलियट से को मिले 18.9 मुकाबला है रत की सनम जरियाब और जाने जहां के रिदा बिलाल में सेकंड पोजीशन पे हैं जी सनम जरियाब ड्रामा सीरियल रत से इनको मिले 23.7 वेरी गुड नंबर बिना गिरा पाई है रिदा बिलाल जिनको मिले हैं 25.7 जाने जहां से वेरी गुड वेल डन रिदा बहुत बहुत मुबारक हो विन करने के लिए अच्छा खुद ही आपस में अब बात कर लीजिए डायरेक्शन की और नॉमिनेशन हमारे सामने हैं फिफ्थ पोजीशन पे हैं महरीन जब्बार ड्रामा सीरियल कॉन्ट्रैक्टर से 13.6 फोर्थ पोजीशन पे हैं जी फारूक रिन साहब ड्रामा सीरियल इश्क मुर्शिद से इनको मिले 17.9 एवन इनको हाईएस्ट मिले थे ऑडियंस की तरफ से लेकिन जजेस को मुतासर नहीं कर सके तो इनको काफी नंबर इनके कट गए थर्ड पोजीशन पे हैं जी बंस रोड के रोमियो जूलियट से फजर रजा इनको मिले हैं 21.2 वेरी गुड नंबर मुकाबला एक दफा फिर से रद और जाने जहां में अहमद भट्टी ड्रामा सीरियल रथ से सेकंड पोजीशन पे हैं 21.7 और विनर करार पाए हैं कासिम अली मुरीद 24.6 जाने जहां से बहुत बहुत मुबारक हो कासिम अली मुरीद क्या डायरेक्शन की थी क्या सीन से बल्कि सीन ऑफ द वीक भी आपके ही ड्रामे का था जिसको आपने बहुत ही महारत से डायरेक्ट किया था अब बात कर ली जाए फीमेल एक्टर ऑफ द वीक की और नॉमिनेशन हमारे सामने फिफ्थ पोजीशन पे हैं जी शमीम हिलाली साहिबा इनको मिले हैं 13.3 ड्रामा सीरियल कॉन्ट्रैक्टर से फोर्थ पोजीशन पे हैं इकरा अजीज ड्रामा सीरियल बंस रोड के रोमियो और जूलियट से इनको मिले हैं 18.5 अंडा और प्याज नहीं नहीं उसको तो 9000 थर्ड पोजीशन पे हैं हिबा बुखारी ड्रामा सीरियल रथ से इनको मिले हैं 20.3 मुकाबला है दुर्रे फिशां और नवाल सईद में इश्क मुर्शिद की दुर्रे फिशां और जाने जहां की नवाल सईद सेकंड है दुर्रे फिशां इनको मिले हैं 21.9 ड्रामा सीरियल इश्क मुर्शिद से और विनर करार पाएंगे ड्रामा सीरियल जाने जहां से नवाल सईद 22.5 अपसेट हो गया लेकिन क्या परफॉर्मेंस थी क्या परफॉर्मेंस थी ये नॉट बैड ये जो लास्ट एपिसोड गई है नवाल की थी
मैंने जिन्हें पूरी कोशिश की थी लेकिन वेल डन वेल डन वेल डिजर्व एक्चुअली आपके सीन सीन ऑफ द वीक भी बने और आपका काम स्टैंड आउट कर रहा था बिल्कुल इट्स अ क्लीन स्वीप अभी तक लेट्स सी बिलाल कोई टॉपल करता है या नहीं अच्छा जी अभी बिलाल का बिलाल अब्बास का रिजल्ट आना बाकी क्योंकि ऑडियंस की तरफ से लाइक 9000 मेल कैटेगरी की तरफ चलते हैं नॉमिनेशन हमारे सामने फिफ्थ पोजीशन पे हैं जी मोहम्मद अहमद साहब ड्रामा सीरियल कॉन्ट्रैक्टर से 15.3 इनको मिले हैं फोर्थ पोजीशन पे हैं हमजा सुहेल ड्रामा सीरियल बंस रोड के रोमियो एंड जूलियट से इनको मिले हैं 18.9 थर्ड पोजीशन पे हैं बिलाल अब्बास ड्रामा सीरियल इश्क मुर्शद से 19.7 मुकाबला है रथ के शहरयार मुनव्वर और जाने जहां के हारिस वहीद में क्या अच्छा मुकाबला है वेरी नाइस ब्यूटीफुल क्या अच्छा आई लव इट आई लव इट लड़कियों में जरा सा भंड था मगर यहां तो मुकाबला बहुत बेहतरीन है दिस इज मिस टोटल टॉप हां बताएं 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 सेकंड पोजीशन पे हैं जी ड्रामा सीरियल बहुत बहुत मुबारक हो हारिस वहीद और नवाल सईद अब बात कर ली जाए ड्रामा ऑफ द वीक की देखते हैं नॉमिनेशन हमारे सामने है फिफ्थ पोजीशन पे है जी महरीन जब्बार के कॉन्ट्रैक्टर्स 55.9 इनको मिले हैं फोर्थ और थर्ड पोजीशन पे दो ड्रामे टाई हुआ है बंस रोड के रोमियो एंड जूलियट में और इश्क मुर्शद में दोनों को मिले हैं 77.5 तो थर्ड और फोर्थ पोजीशन पे दोनों चलो ठीक है अब मुकाबला है रद और जाने जहां में सेकंड पोजीशन पे है ड्रामा सीरियल रद मिले हैं 88.4 और विजय करार पाया जाने जहां 101.7 बहुत बड़े मार्जिन से जीते हैं 88 101 वाओ वेरी नाइस वेल डन वेल डन वेल डन जाने जहां वेल डन आपको भी बेल्डन आप लोगों ने शादी हमने तो पॉइंट आउट किया शादी वाले सीन को वेल्डन हमने पॉइंट आउट किया है जिनका बुरा काय उनको पॉइंट आउट किया बेसिकली या या एब्सोल्युटली तो जी एक सीन भी बहुत होता है ना किसी भी ड्रामे का लेवल इसमें इस एपिसोड में मुझे इवन जो इमाद इरफानी वाला सीन था वो बहुत अच्छा था फिर हमजा अली अब्बासी और आलिया के फादर वाला बहुत अच्छा था जो आलिया का अपने वालिद के साथ था वो सीन बहुत अच्छा था सीन याद है हाँ. फिर वो फैक्ट्री वाला सीन अच्छा था शादी वाला सीन अच्छा था मतलब एक ड्रामे में और क्या चाहिए और कितने सीन चाहिए और क्या ड्रामा चाहिए और क्या ड्रामा चाहिए तो जी ये था हमारा आज का प्रोग्राम कैसा लगा आपको हो सकता है हमारे सीजन का एंड हो सकता है अगले हफ्ते भी हम आ जाए ये हमारे लिए भी अभी एक मोम्मा है जो हल करना है तो अगर नहीं आए तो फिर ब्रेक के बाद अगला सीजन स्टार्ट होगा नया सीजन उसमें नए सेगमेंट्स भी हम ऐड कर सकते हैं आपके जहन में कोई भी क्रिएटिव थॉट है आप इस शो में कुछ चेंजेस करना चाहते हैं जरूर बताइएगा हम एक चीज़ जरूर करने वाले हैं अगले सीजन में हम एक्सपेंड कर रहे हैं अपने सेट को हो सकता है जब जैसे आप कहते हैं फलाने ड्रामे की कास्ट को बुलाएं उसको बुलाएं नहीं हम खुद भी चाहते हैं हम खुद भी चाहते हैं एक्चुअली हम उनको भी बुलाएंगे इसके अलावा आपके जहन में कोई आइडिया हो जैसे कि हमने सीन ऑफ द वीक हमने ऐड इन किया ऐसे और भी चीज़ें ऐड कर सकते हैं तो हमें जरूर अपने फीडबैक से आगाह कीजिएगा हमारा इंस्टाग्राम भी आप जानते हैं हमारे यूट्यूब भी और फोन नंबर भी सब चीज़ें आपके पास हैं इसी के साथ यदि दुआ में याद रखें सादिया इमाम मरीना खान रुबीना अशरफ और मुकर्रम कलीम को दीजिए इजाजत लेकिन देखना ना भूलिएगा अगला हमारा क्या ड्रामा है।